What is the power of soul? Your soul having power, infinite power, infinite power, which has given by God. It's a talent. Your body have limited power. It is naswar. It will destroy. It is not forever, your body. But your soul, it will be forever. Nobody can kill, nobody can cut, nobody can destroy. It was, it is, it will be. In Hindi we say, Atma Amar Hai. Atma Amar Hai. Hamesha Atma Rahegi. Atma na kabhi paida hui hai, na maregi. Rishi Asana ne ek program shuru kiya. Is program ka naam hai, Siddhasana. Uska pura research, puri vyavastha, puri niyam, puri khoj, hum apne soul ko aise powerful banaye, सोल को कैसे लिफ्ट करें, अपलिफ्ट करें, कैसे एलिवेट करें, ये सब मेरे द्वारा खोजा गया। मैं इस दुनिया में देखा कि प्रेम कम पड़ते जा रहा, गुस्सा बढ़ते जा रहा, दया कम होती जा रही, करुणा कम होती जा रही, अहंकार बढ़ते जा रहा, क्षमा कम होते जा रहा, दंड बढ़ते जा रहा। हम बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं। पहले लोग इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज होती जा रही है। डिप्रेशन में भी लोग ज्यादा जा रहे हैं। आजकल तो एक कहावत है कि साइकोलॉजिस्ट जो साइकिस्ट डॉक्टर है वो इतने डिप्रेशन लोगों से मिलता है, दिन भर इलाज करता है कि शाम में जब वो अपने घर जाता है तो दूसरे साइकिस्ट के पास जाने जाता है। इन इंडिया एवरी फिफ्थ पर्सन, बट इन फ्रांस एवरी थर्ड पर्सन वन पर्सन इज देयर। एवरी थर्ड पर्सन, व्हेन योर नंबर विल कम वी डू नॉट नो, मे बी टुमारो या फिर सो बी केयरफुल। इतना और इस सब के कारण है हमारा सोल वीक होते जा रहा है। आप रिस्पॉन्ड कम लेते हो, रिस्पॉन्ड कम लेते हो, रिएक्ट ज्यादा करते हो। मैं हमेशा कहता हूं इन रिलेशनशिप डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। इन रिलेशन डू नॉट आर्गू, डिस्कस। आर्गू इज बैड थिंग, डिस्कशन इज गुड थिंग। व्हाई डू यू नो, आर्गूज फाइंड आउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, but discuss and find out what is right and what is wrong. So discuss, not argue. See, Osama bin Laden, a big terrorist of the world, he killed thousand and thousand innocent persons in this world. But till his day, he was not accepted that he was wrong. He told, he said, oh no, that was my jihad. Then who is going to accept he is wrong? Nobody. But what is wrong? Who is wrong? Who is right? Nobody can go into state. Except, but what is wrong and what is right? We all know. We cannot change the truth, but truth can change us. But truth can change us. इस सारी जो परेशानी हो रही है, इसलिए कि सोल हमारा वीक होते जा रहा है। तुम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हस्बैंड कुछ बोला, वाइफ रिएक्ट कर। वाइफ कुछ बोली, हस्बैंड फायर रिएक्ट कर। फादर कुछ बोला, सन रिएक्ट कर दिया। डॉक्टर रिएक्ट कर दिया। डॉक्टर कुछ बोली, मदर रिएक्ट कर दिया। हमारा सोल इतना वीक है कि उसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो जितना वीक होता है उसको उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। रिस्पॉन्स तो खत्म हो गया। कहां रिस्पॉन्स खत्म हो गया। प्रेम तो कहने की बातें रह गई, प्रेम तो खत्म हो गया। हम सब प्रेम चाहते हैं, हम सब खुशी चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम सब दूसरे से चाहते हैं, देते नहीं। इतनी बेईमानी है, नहीं देंगे तो आएगा कहां से? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वंस यू कन्वर्ट द एनर्जी इन लव फॉर्म, पीस फॉर्म, काइंडनेस फॉर्म, इट्स नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय। इट विल बी देयर, ऑलवेज इट विल बी देयर। सो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स कि ही विल गिव लव, ही विल गिव पीस? Charity began at home. You start from yourself. It must start from yourself. Even with the keeper. Even with the keeper. Newton said, the third motion of law, to every action, there is always equal and opposite reaction. Every action, there is always equal and opposite reaction. If there is a war, you throw a ball on war, white ball, then what ball will come back to you? Why? You all are very genius. Just you give a platinum for yourself. Thank you. If you throw black,
then what you will gain, that you will get. That you, if you throw black, you cannot get back white. But if you give love, you will get love. It will come. तो हम प्रेम देना छोड़ रहे हैं, शांति देना छोड़ रहे हैं। आशा तो सबसे है कि प्रेम, हर व्यक्ति चाहता है उसकी पत्नी सीता जैसे हो, लेकिन राम बनना ही नहीं चाहता। वो रावण है, रोज रावण बन रहा है, लेकिन आशा रखता है कि मेरी पत्नी सीता हो। इससे बड़ा बेईमान तो दुनिया में क्या हो। इसके बाद मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं बोला हूँ, ये हस्बैंड पर भी लागू होता है और वाइफ पर भी लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। तुम फायर हो, तुम आग के जैसे हो, चला रहे हो और दूसरे से आशा रखते हो कि बर्फ कैसे होगा, वो बर्फ भी गल जाएगा उस फायर। इस सब में देखा और रिसर्च किया, एक पैकेज बनाया जिसका नाम दिया सिद्धावासना। 7 days का ये प्रोग्राम है, साइलेंस रहना है, बोलना नहीं है। कारण इस सारी समस्या बोलने से ही होती, नहीं बोलो तो कोई समस्या नहीं है। विदाउट योर रिएक्शन वर्ल्ड इज पावरलेस, वर्ल्ड इज पावरलेस। तुम रिएक्ट करते हो इसीलिए समस्या खड़ी होती है। तुम मत बोलो, बोलना छोड़ दो, देखो 90% समस्याएं। ठीक है, पंजाब में मैं था, वहां बहुत एक सिख सरदार जी थे। भारत में सरदार जी लोगों पर ज्यादा चुटकुला बनता है, हंसने की ज्यादा चीजें बनती है। कोई भी सरदार जी मेरे भाई होंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, वहां बनता है तो मैं कह रहा हूँ। तो पति पत्नी में बहुत झगड़ा होती, तो सरदार जी ड्रिंक भी करते थे, शराब भी पीते थे। एक तो सरदार ऐसे ही जोशीले होते हैं, दूसरा ड्रिंक पीते, तीसरा गुस्सा तो ज्यादा बोलते थे। तो उन्होंने, मेरे भगत भी थे, उन्होंने मुझसे मिले हुए और कहे, गुरुदेव हमारे पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सिद्धियां मियां भगवान स्वरूप, मुझे कोई सिद्धि का शक्ति दे दीजिए, मेरा ये परेशानी दूर। ठीक है, मैं उनको 21 इलायची दिया, इलायची समझते हो, इलायची दिया खाने। मैंने कहा जैसे आपकी पत्नी घर पर आए और बोलने लगे, आप एक इलायची को रख और एक इलायची जब तक खत्म ना हो मुंह ही ना खोलना। गुरुदेव आप सिद्ध किए हैं क्या? और सच बात है कि मैं कोई सिद्ध नहीं किया था, वो नॉर्मल इलायची था, मेरे पूजा में रखा हुआ था। मैंने कहा वो मैं डाल दू, कुछ बोलना ही नहीं, एक इलायची खत्म हो जाए पूरा चूस 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 के तब मुंह खोलना। और वो भी पत्नी से बोल पूछना खोलू, वो बोले खोलो तो खोलना, नहीं बोले तो मत खोलना। तो सरदार जी लोगों की एक खूबी है, वो जो करते हैं पूरी तरह से, नहीं करते नहीं करते, दिल के बेईमान नहीं होते। वो करते हैं तो झगड़ा भी करेंगे तो जम के करेंगे, पाठ भी करेंगे तो जम के करेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो जम के करेंगे, प्यार भी करेंगे तो जम के करेंगे। वो जो करेंगे वो आधा अधूरा नहीं करेंगे। तो उन्होंने मान लिया, भाई गुरु चल दिए लेके गए। 21 इलायची था, 21 दिन तक उन्होंने यही किया, आदत बन गई चुप रहने की, उनकी सारी समस्या दूर हो गई। और 21 दिन में कोई भी हैबिट चेंज होती है आदमी की, अगर 21 डेज कंटिन्यू कोई काम करो तो हैबिट क्या, वो हैबिट बन जाता है। एंड व्हेन हैबिट सस्टेन लॉन्ग एनफ इट्स बिकम नेचर, इट्स बिकम नेचर। तो सरदार जी की हैबिट हो गई। अब एक साल के बाद वो पति पत्नी आए आश्रम में, बोले गुरुदेव विजय हो, गुरुदेव विजय हो, आपकी जो 21 इलायची थी गुरुदेव सिद्धि वाली, ऐसे काम किया कि मेरा घर तो स्वर्ग बन गया, सारी लड़ाई खत्म हो गई। स्पीच स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। और वो फाइटिंग खाली मुंह से नहीं होता था, कुटा कुटी भी होता था। अपने पंजाब में कुटना बोलते हैं आप सब समझते हैं, नहीं तो इंग्लिश का बताओ इंडिया का नाम खराब हो जाएगा, प्रेफरेंस सुन लेगा इसको थोड़ा बचा दे। हमारा घर की बात है, हम लोग देखेंगे, इनको भी समझाऊंगा मैं। लिव विद योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस, मैं अपनी स्ट्रेंथ सुनाऊंगा इनको, अपना वीकनेस में समीक्षा। इट इज नॉट क्वेश्चन, इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर बॉडी, इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर बॉडी, क्वेश्चन इज हाउ पावरफुल आवर फेथ इज, हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। अब हम बोलना कम कर रहे हैं, 90% समस्याएं खत्म हो जाए। महाभारत में देखो, बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाभारत में द्रौपदी एक लाइन ही बोली, अंधा का बेटा ब्लाइंड सन ऑफ द ब्लाइंड, एक लाइन द्रौपदी नहीं भी बोल सकती थी, क्या जरूरत थी बोलने की, वो बोलना जरूरी था क्या? एक लाइन बोली उस महाभारत में, 167,000 वॉरियर किल्ड डाइड, 167,000 वॉरियर, सही ना? पी उस समय 5,000 ईयर पहले 167,000 वीर मारे गए,
मर गए, द्रौपदी के पांडवों के सारे बच्चे मारे गए, एक लाख लोग मारे गए एक लाइन बोलने से। याद को बोलने अगर द्रौपदी नहीं बोलती ये महाभारत नहीं होता। हमारे जीवन के कितने महाभारत है सब मेरे पूरे बोलने से ही हो रहे हैं। स्पीकिंग सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, स्माइल इज डायमंड। साइलेंस बहुत जरूरी है। और चुप होने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, कोई एनर्जी भी खर्च नहीं, इतने एनर्जी बच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने एक रिदम ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ, दिस इज लॉज ऑफ लाइफ शुरू किया, जिसको सिद्धेश्वर पावर ऑफ सोल नाम दिया है। जिस प्रोग्राम का नाम सिद्धासना है उसमें सिद्धेश्वर पावर ऑफ सोल की साधना कराई जाती है, आपकी पावर ऑफ सोल की पावर और लॉज ऑफ लाइफ को फॉलो कराया जाता है। और व्हाट इज द रिदम, आपके रिदम को बैलेंस किया जाता है, बैलेंस किया। और एवरीथिंग फ्री, एवरीथिंग, कोई भी चार्ज नहीं है। मेरे फ्रांस में कुछ भी फ्री नहीं है और हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तुम्हारे यहाँ सब कंडीशनल है, यहाँ तक तुम लव भी करते हो तो कंडीशनल करते हो। तुम कहते हो आई लव यू, डू यू लव मी, बट ए ट्रांजेक्शन। मेरे बच्चों, मैं सन्यासी हूँ, मैं तुमसे धन ले नहीं सकता, कारण की सन्यासी प्रथा में हमारा पहला दीक्षा होता है पैसे नहीं रख। अगर मैं पैसे रख लिया तो मैं महंत हो जाऊंगा और मैं महंत नहीं बन सकता, मेरा वो नाम ही नहीं है, मैं सन्यासी। मेरे पास कोई पॉकेट नहीं है, एक चादर है लपेटता, एक धोती लपेटता हूँ, एक चादर ओढ़ता हूँ, पीला इसलिए पीला ओढ़ता हूँ कि जो भी दूसरे के पीड़ाओं को लेता है, कष्टों को लेता है, वो पीला वस्त्र का धारण करेगा, नहीं तो जल जाएगा, गल जाएगा। तो मैं दूसरे के पीड़ाओं को लेता हूँ इसलिए पीला वस्त्र, पीला चादर रखता हूँ, कोई पीला चादर, एक पगड़ी मैं बांधता हूँ। ये पगड़ी मैं इसलिए रखता हूँ कि अगर कभी कोई दीन दुखी, कभी कोई मेरी बेटी महिला कोई दिन दुखी, जिसको वस्त्र न हो, गरीब हो, कभी बिना वस्त्र का मिल गया तो करके उसको ढक दूंगा, उसकी प्रतिष्ठा को बचा दूंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भिक्षा मांगकर भोजन करता हूं तो तुमसे मैं क्या लूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात पहनता नहीं हूं तो मैं तुमको देता हूं, तुमसे क्या लूंगा, वो तो मैं देता, देवती ही देवता, जो देता है उसे देता, जो खाली लेने लगी उसको तो लेवता कर देते हो। तो मेरे बंधु, मैं महात्मा हूं ना, महात्मा माँ होती है, गुरु पिता होता है, माँ और पिता अपने बच्चों से क्या लेंगे, तो तुम मेरे आश्रम में आओगे, खाओगे उसका पैसा दोगे, मेरे यहाँ रहोगे पैसा दोगे, मेरे यहाँ साधना करोगे पैसा दोगे, इसलिए हमारे यहाँ एवरीथिंग हमने फ्री रखा। मेरे बच्चों, सिद्धेश्वर पावर ऑफ सोल जो प्रोग्राम है वो आपके सोल को स्ट्रॉन्ग करेगा, पावरफुल करेगा, आपकी 90% समस्याएं जीवन की, फाइनेंशियल समस्याएं भी दूर होगी। एक बार सोल पावरफुल हो गया वो इसको भी दूर करता है, इसको भी दूर करता है। आपको आइडिया आएगा कहां से पैसे कमाते हैं, क्या बिजनेस करें जिससे प्रॉफिट होगा, क्या करें जिससे आगे बढ़ेंगे, सब इससे कनेक्टेड है हमारे सोल से। तो आप इसे जरूर करना, एंजॉय करें अपने साइलेंस को, अपने इनर जर्नी को, इनर इंजीनियरिंग को। बाहर की यात्रा तो आपने बहुत किया, अब अंदर की यात्रा भी कर रहे हैं। लेट्स बिगिन।